तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक ओएसटी के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। इस ट्रैक के बारे में हम बात करते हैं और पहले ही मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें जितने भी एक्ट्रेस की फीचरिंग होने वाली है किसी का भी नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ इस ट्रैक का नाम लिखा है और ऑडियो क्रेडिट्स, जिन्होंने इस ट्रैक की ऑडियो बनाई है उसमें काम किया है उन लोगों का नाम लिखा हुआ है, बाकी किसी का भी नाम मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को एक बार दोहरा देते हैं इस ट्रैक को समझने के लिए, ठीक है। इस ट्रैक का नाम है फरियाद, इसमें अपने वोकल्स दिए हैं राहत फतेह अली खान साहब ने, इस ट्रैक को कंपोज किया है नावेद नशाद साहब ने और म्यूजिक को खुद प्रोड्यूस करते हैं। नावेद नशाद साहब का मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ, ठीक है। बढ़िया बढ़िया गाने कंपोज कर चुके हैं और बहुत सारे गाने, ठीक है, जितने भी मेरे हिसाब से इनके बढ़िया बढ़िया गाने हम इस चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। इस ट्रैक को लिखा है एहसन तालिश ने, अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो एक बार मुझे करेक्ट कीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। और कमर नशाद साहब ने भी कलम का सहारा लिया इसमें, ठीक है, यानी लिरिसिस्ट है वो इसमें। आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें और कमेंट सेक्शन में आप लोग ऐसे ही चीज़ें सजेस्ट करते हैं ना, ताकि रेगुलरली वीडियोस आ सकें और रेगुलरली वीडियोस आ रही हैं। आप उन सभी वीडियोस को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है, और हमारे साथ कनेक्टेड रहें। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक जगह पर आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहें। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, ठीक है, फॉलो आप लोग ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब बातों को हम एक दफ़ा के लिए साइड पर छोड़ देते हैं, हम इस ट्रैक पर आते हैं, इसे सुनते हैं और एंड पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे बढ़िया तरीके से। पहले से सुन लेते हैं। नए नए चेहरे, फिर रो दिया, ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी, मैं मांगू दुआ जो जो वो क्यों हो। बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। खत्म हो गए आंख से आंसू, इतना भर भर रोए हैं, कैसी है ये तन्हाई, याद तेरी आई, ये सोचा ही नहीं था वफा में। बढ़िया बढ़िया मेलेडी है, अच्छी कंपोजिशन है। कैसे रंग बदलती है, दो दिन बंदा संभले ना तो फिर ये कहां संभलती मेरे मौला, हाथ पड़े का सादा है ये समझ के छन्नी का पादा, नियत कर्म मोहब्बत बांटे इसको मिले ये सौदा, मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे तो दोस्तों ट्रैक की ऑडियो के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले राहत फतेह अली खान साहब की बात कर लेते हैं।
तो हर एक कंपोजिशन किसी भी तरीके का गाना हो, ठीक है, मुझे बहुत अजीब लगता है जब भी राहत फतेह अली खान साहब का कोई ट्रैक हम रिव्यू करते हैं, रिएक्ट करते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है उनके बारे में जब भी मैं बात करता हूँ, ठीक है। वो इतना बढ़िया तरीके से गाते हैं, कोई भी कंपोजिशन हो, ठीक है, कोई डल कंपोजिशन भी हो तो अपने अंदाज से उसे ना अपीलिंग बना देते हैं, बहुत बढ़िया बना देते हैं। और ये इतनी बढ़िया कंपोजिशन थी, बहुत ही बढ़िया मेलोडी तैयार की थी नावेद निशाद साहब ने इसमें, ठीक है। हमेशा की तरह जब भी कोई भी ट्रैक उनका होता है, कुछ ना कुछ तो उसमें मेलोडी में कुछ ना कुछ तो एक पार्ट, एक ही पार्ट हो, लेकिन इतना बढ़िया क्रिएट किया होता है कि आप बार बार सुनने का दिल करेगा और आपके दिमाग पे छप जाएगा, आप गुनगुनाते रहोगे उस चीज़ को, ठीक है। इस ट्रैक में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस थी और उन वेरिएशंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया राहत फतेह अली खान साहब ने। इस ट्रैक में कुछ लाइनें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बढ़िया लिखावट भी थी इसमें, ओवरऑल गाने का स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया था, मुझे ट्रैक बढ़िया लगा। विजुअल्स के बारे में बात करूँ तो सभी एक्ट्रेस मेरे लिए आप कह सकते हो नए थे, मैंने पहली बार आज इन सभी एक्ट्रेस को देखा, सबने अच्छा काम किया, ठीक ठाक था सब कुछ। ओके गाइस, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, मिलता हूं आप लोगों से दो बार, मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो में, बाय।